कांग्रेस जय श्री राम मोदी हाय हाय हाय।
देश का लड़ा। नीम का पत्ता कड़वा है, आज हिंदुस्तान में जिस तरह बीजेपी की सरकार एक तरफ युवाओं को बेरोजगार देने से रह गई, आज एक षड्यंत्र रच रहा है जिसमें हिंदुस्तान के जो किसान है उनको भी बेरोजगार करने का कोशिश आज बीजेपी सरकार कर रही है, जिसके मकसद से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 3 बिल को पास किया है। ये बिल का मकसद ये है कि किसानों को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाए, किसानों का जो भी ज़मीन है, किसानों का जो भी फल है, ये सारा फल जो है कॉर्पोरेट सेक्टर वालों को देने की कोशिश आज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। एक तरफ किसान जो पिछले 25 दिन से दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिन रात दिल्ली के सड़कों के ऊपर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी सुनने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार आगे नहीं आती है। और दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी जो हमेशा बोल रहे हैं किसानों का बात सुनने के लिए, किसानों के आवाज़ उठाने की कोशिश हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसके सुनने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाने की कोशिश राहुल गांधी जी ने बोला था पार्लियामेंट सेशन बुलाने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के सभी नेताओं के पास हैदराबाद शहर में इलेक्शन हुआ तो आके काम करने जा रैलियों में काम करते हैं, रैलियों में घूमते हैं, वेस्ट बंगाल में रैलियों में घूमते हैं, हजारों लाखों के लोगों के बीच में वो लोग जाके प्रदर्शन करते हैं, लाखों के लोगों के पीछे भाषण देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट चलाने के लिए, विंटर सेशन चलाने के लिए एक दिन का भी टाइम उनके पास नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के विरुद्ध करने के लिए कोशिश कर रहा है। जब तक हमारे नेता यूथ कांग्रेस जिंदा है हम किसानों की आवाज़ उठाते रहेंगे, किसानों की जो मांगे हैं वो जब तक पूरे नहीं होते उसके लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से जंग लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। और आज हैदराबाद शहर, हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदारत रोहित ऋषि सभी के नेतृत्व में आज हमारे इंचार्ज सुमया जी भी यहाँ पे आके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। ये आवाज़ देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि किसानों के साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस, हमारे सीनियर लीडर उस्मान जी सभी साथी इसमें शामिल है। इससे हम लोग आवाज़ देना चाहते हैं हिंदुस्तान के किसानों की कि उनके साथ आज यूथ कांग्रेस खड़ा है, सारा यूथ कांग्रेस, सारा कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ा है बताने के लिए आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सर वहाँ पर किसान क्या करना चाहेंगे, आप वहाँ पर क्या बोलना चाहेंगे किसानों के लिए? पूरे कांग्रेस पार्टी रोज वहाँ पे कई किसानों को खाना का व्यवस्था कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस तरह से आज ठंड है उसके लिए भी कई जगह पे लंगर लगाए, कई लोगों को, किसानों को सेवा कर रही है कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस। आज जो भी लोग मर रहे उसका एक ही कारण है नरेंद्र मोदी का सरकार। जो पिछले 20 दिन से वो संडे के दिन मन की बात सुनने को आते हैं, लेकिन किसान का जो दर्द है, जो किसान का जो आवाज़ है सुनने के लिए नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं है। हम लोग नरेंद्र मोदी से बताना चाहते हैं, अरे भाई आप जरा होश में आइए, ये मन की बात नहीं है, ये हमारी अन्नदाता की बात है। आप अगर नहीं सुनेंगे तो हम आपके सामने आके आपके जब तक आवाज़ नहीं सुनाई जाएगी तब तक यूथ कांग्रेस आवाज़ उठाते रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज भाजपा सरकार जिस तरीके के साथ इस देश के संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है, अपने पावर का जिस तरीके से मिसयूज़ कर रही है, ये सारी जनता हिंदुस्तान की देख रही है। और भाजपा सरकार से मेरा ये सवाल है, जब आप बंगाल में जाकर बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स ले सकते हैं, तब कोई कोविड इश्यूज नहीं आता, लेकिन पार्लियामेंट सेशन क्यों रोका गया? मेरा भाजपा सरकार से ये सवाल है, पार्लियामेंट सेशन को क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि भाजपा सरकार के पास मुद्दे नहीं हैं, ऑपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं है। भाजपा सरकार ने ये साबित किया है कि मोदी सरकार इस देश को नहीं चला सकते, इस देश को चलाने में नाकामयाब रहे हैं। जो किसान इस देश के अन्नदाता हैं, आज उन किसानों के साथ अगर ये व्यवहार हो रहा है तो सोचिए कि आम जनता के साथ क्या क्या हो सकता है। जिन किसानों से ये देश चलता है, वीर जवानों से ये देश चलता है, लेकिन आज उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस हमेशा से किसानों के हक में बात करती आ रही है, किसानों के लिए आवाज़ उठाती आ रही है और आगे भी उठाती रहेगी। मैं भाजपा सरकार से कहना चाहती हूँ कि अपनी गलती माने और अपनी कुर्सी से हट जाएँ, क्योंकि ये देश आपसे संभाला नहीं जाता। धन्यवाद। जो भी मोदी सरकार या किसान विरोधी अपना कृषि इसका बिल निकाला है, बिल पास करा है, उसको इमीडिएटली वापस लेना पड़ेगा। और ये बिल के ऊपर चर्चा होता बोल के डर के मोदी ने
विंटर सेशन पार्लियामेंट को रद्द किया है, ये बहुत गलत है, इलीगल है, और मोदी ने पूरा देश को अदानी और अंबानी के हाथ में रख दिया है, और हम और भी देश को बिकने नहीं देंगे, हम इसके ऊपर लड़ाई और दूर लेके जाएंगे। सर, जो किसान मर रहे हैं वहाँ पर, उसके लिए क्या कहेंगे? किसान तो बहुत सारे किसान मर गए, और इतना ठंड में भी वहाँ पे सिंगो बॉर्डर, दिल्ली के जो भी बॉर्डर से टिकली बॉर्डर, वहाँ पे इतने इलाकों में किसान वहाँ पे रोज इतना दुरदृष्टकर वो सीन में है, फिर भी मोदी सरकार उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, ये तो बहुत दुखद है, दुख की बात है। और ये प्रोटेस्ट के लिए और क्या कर रहे हैं इसके बाद? नहीं, ये तो प्रोटेस्ट हम वो किसान विरोधी बिल्स जो है वो वापस लिए तक हमारे प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। या प्रोटेस्ट ये खाली हैदराबाद में नहीं, पूरे देश भर हर असेंबली हर मंडल में हो रहा है। और यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? और जो यूथ और अग्रेसिवली यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत यूथ ऑलरेडी मिल गए, और भी मिलना चाहिए, हम उसके बारे में वर्क करेंगे, ज़रूर यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी के साथ किसानों के बारे में नहीं, पूरे देश के हर सेक्टर के लिए लड़ेंगे।